प्यारो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, जिसके 8 क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम आपको दे चुके हैं। आज 8 के बाद 9 अनवर्ड्स के सोल्यूशन देने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आप पढ़ चुके हैं कि कैसे उसको एक्सपेंड किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं क्या होती है, ये हमने इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है, एक बार देख लीजिएगा। हमने बताया था डिटरमिनेंट में कोई चीज प्रूफ करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो कहीं किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को माइनस कर सकते हैं, रो में रो को माइनस कर सकते हैं, कॉमन मिलना चाहिए और जीरो कुछ आ जाने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि सिंपली आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और आंसर ले आइए, ये गलत है। 9th क्वेश्चन देखिए क्या है। 9th क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई को प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। देख, हमने क्या कहा भाई, अधिक से अधिक जीरो हो जाए, कुछ कॉमन हो जाए। जीरो तो दिख नहीं रहा है, एक चीज हमको दिख रही है कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, यानी पहली रो में दूसरी रो को, तो यहां एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे वाई जेड माइनस जेड एक्स आकर के z कॉमन ले लें तभी x माइनस वाई आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक तो LHS ले लिया हमने, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने ले लिया। पहली रो में आप क्या करेंगे, पहली रो में दूसरी रो को माइनस कर दीजिए और दूसरी रो में क्या करेंगे, दूसरी रो में तीसरी रो को माइनस कर दीजिए। अब आप कहेंगे पहली को तीसरी में भी कर दीजिए, जी नहीं, क्योंकि पहली चेंज हो चुकी है। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब इसको आप माइनस करोगे तो यहां क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां आएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसमें से इसको माइनस किया है तो आएगा वाई माइनस जेड, यहां आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहां आएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। देखिए ये प्रूफ ध्यान में रखिएगा, क्या प्रूफ करके लाना है आपको। इसमें ध्यान से देखिए आप, ये एक्स माइनस वाई है, इसको क्या ले सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें जो भी आपको कॉमन लेना है ये आना चाहिए x माइनस वाई। देखिए यहां x वाला पार्ट निगेटिव है तो हम माइनस जेड कॉमन ले देंगे, माइनस जेड क्या बचेगा यहां पर, x माइनस वाई। यहां देखिए ये y माइनस जेड है, इसको लिखेंगे आप y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, यहां से माइनस x कॉमन ले लीजिएगा तो y माइनस जेड, ये है आपका z z स्क्वायर एक्स वाई। इसके बाद देखिए यहां से x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, यहां से y माइनस जेड, तो हमने यहां से x माइनस वाई कॉमन निकाल लिया और यहां से y माइनस जेड कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा z, यहां क्या बचेगा x प्लस वाई, यहां बचेगा y प्लस जेड, यहां बचेगा जेड स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस जेड, यहां बचेगा माइनस एक्स, यहां बचेगा एक्स वाई। ये बहुत लेंदी तो नहीं होते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है। जरा देखिए ध्यान से, यहां पर एक जीरो हमको दिख रहा है, अगर मैं इस आर वन में से आर टू को माइनस करता हूं तो एक जीरो हमको दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, हम आर वन में ऑपरेशन करेंगे, आर वन में माइनस आर टू करेंगे, क्यों, एक जीरो हमको दिख रहा है। ठीक है,
तो ये क्या आएगा x माइनस वाई, और y माइनस जेड तो ऑलरेडी था, ये जीरो हो जाएगा। देखो इसमें जब माइनस करोगे तो क्या आएगा x माइनस जेड, इसको माइनस करोगे तब भी आएगा x माइनस जेड, इसको कुछ करना नहीं है, ये वन रहेगा, ये y प्लस जेड रहेगा, ये माइनस एक्स रहेगा, ये जेड रहेगा, ये जेड स्क्वायर रहेगा, ये एक्स वाई रहेगा। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे एक कॉमन दिख रहा है x माइनस जेड, कॉमन ले लीजिए उस x माइनस जेड को, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, तो यहां क्या बचेगा जीरो वन जेड, यह आएगा वन y प्लस जेड, जेड स्क्वायर वन माइनस एक्स एक्स वाई, एक जीरो तो आ गया। अब कहीं और जीरो दिख रहा है आपको, एक जगह और दिख रहा है आपको जीरो, इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए तो यहां पर जीरो दिख रहा है, कर दीजिए। क्या करेंगे, पहले कॉलम में ऑपरेशन करिए सी वन माइनस सी टू, जीरो जीरो लाना है और हमको कुछ नहीं मालूम यहां क्या हो रहा है। तो ये है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड एक्स माइनस जेड। अब आप कहेंगे सब लाना तो जेड माइनस एक्स है, वो बात की बात है, फिलहाल जो मिल रहा है वो निकाल लीजिए। देखिए यहां पर क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा जीरो वन जेड। आप सी टू में ऑपरेशन कर रहे हैं, सी टू में कर रहे हैं, सी टू माइनस सी थ्री, यहां जीरो हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करोगे क्या आएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इसमें इसको माइनस करो क्या आएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यह आएगा वन माइनस एक्स एक्स वाई। एक मिनट देखिए, अब आपको उस कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए, इसको सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए आप, क्योंकि यहां पर दो जीरो आ चुके हैं तो वी एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलावा इसको एक्सपेंड कर दीजिए। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करें, ये डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स नहीं है, जीरो तो जीरो रहेगा, कोई भी मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, माइनस जीरो, इसका एक्सपेंशन बताया जा चुका है आपको, इसमें हमने सब लिंक दे दिए हैं, एक्सपेंशन भी बता दिया है, प्रॉपर्टी बता दी है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्लस वन, जब प्लस वन करोगे तो जिस रो में है वन कट जाएगा, जिस कॉलम में कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा जेड, क्या आएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, ये तो जीरो रहेगा, इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, ये जेड स्क्वायर कट गया, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, यहां सब पॉजिटिव हो जाएंगे, एक्स वाई बचेगा प्लस वाई जेड बचेगा प्लस जेड एक्स बचेगा। अब इस माइनस को कहां पर ऑपरेट करें, यहां से माइनस का मान ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। तो इस प्रकार से ये सेकेंड क्वेश्चन का, नाइन्थ क्वेश्चन का सोल्यूशन। ओके आगे देखिए, अगला है टेंथ क्वेश्चन, आज 4.2 इसमें हम खत्म कर देंगे। टेंथ के दो पार्ट हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टेंथ फर्स्ट पार्ट, x प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर, टू एक्स, टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर, और ये आएगा फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये बताया तो ये गया है आपको कि अधिक से अधिक जीरो आने चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको राइट हैंड साइड में लाना क्या है,
देखो राइट हैंड साइड में 4x 5x प्लस 4 लाना है। अब जरा इस डिटरमिनेंट को देखिए ध्यान से और बताइए इसमें क्या ऑपरेशन किया जाए कि 5x प्लस 4 आ जाए। तो एक चीज हमको दिख रही है कि अगर इस सभी एलिमेंट्स को उठा के एक जगह प्लस कर दीजिएगा तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 4 आ जाएगा। 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x 5x प्लस 4। तो क्या करें आप पहले कॉलम में ऐसा करिए, पहले कॉलम में प्लस कर दीजिए C2 प्लस C3। क्या निकल आएगा ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 4, यहां भी आ जाएगा 5x प्लस 4, यहां भी आ जाएगा 5x प्लस 4। अब आपको इन सब दो जीरो आ रहे थे, इसमें से इसको माइनस करते यहां एक जीरो आ जाता, इसमें से इसको करते यहां एक जीरो आ जाता। लेकिन बात जीरो की तो है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो पहले कॉमन निकालिए आप। इसके बाद यहां क्या बचेगा 2x, यहां बचेगा x प्लस 4, यहां बचेगा 2x एक्स प्लस 4। अब आपको यहां से दिख रहा है कि 5x प्लस 4 आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा, तो हमने यहां से 5x प्लस 4 कॉमन ले लिया। यहां क्या बचेगा 1, यहां बचेगा 2x एक्स प्लस 4, 2x एक्स प्लस 4। अब जरा देखिए ध्यान से, ये प्रूफ लिखा हुआ है इसको दिमाग में रखिएगा। देखिए यहां पर दो वन आ रहे हैं, यहां पर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं यहां जीरो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करता हूं यहां जीरो आ जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले रो में एक ऑपरेशन करिए R1 माइनस R2 और दूसरे रो में एक ऑपरेशन करिए R2 माइनस R3। और आप कहेंगे अगर R3 माइनस R1 भी कर दें तीनों जीरो हो जाएंगे। देखिए जिसमें R1 माइनस R2 आप किया तो यहां जीरो हो चुका, ये चेंज हो गया, अब ये वन नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपका 5x प्लस 4 तो है ही है, तो इसको माइनस करोगे तो यहां जीरो आ जाएगा, इसको करोगे माइनस क्या आएगा 2x माइनस x माइनस 4 आ जाएगा x माइनस 4, यहां से इसको करोगे तो आएगा जीरो, यहां से इसको करोगे आएगा जीरो, यहां से इसको करोगे तो आएगा 4 माइनस x, यहां से इसको करो कितना आएगा x माइनस 4। ये 1 है, ये 2x है, ये x प्लस 4 है। अब आप जैसे चाहो वैसे इसको एक्सपेंड कर दो, यहां भी दो जीरो है, यहां भी दो जीरो, मैं इसके अलावा एक्सपेंड कर रहा हूं 5x प्लस 4। देखिए ये जीरो रहेगा, माइनस जीरो रहेगा, प्लस 1, इसको ये काट देगा, इसको ये काट देगा, ये ब्रैकेट लगाइए, ये रो कॉलम कट जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 का स्क्वायर आएगा, इसका इससे होगा जीरो हो जाएगा माइनस जीरो। तो ये क्या आ गया आपका 5x माइनस 4, 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर में चाहे आप a माइनस बी स्क्वायर करिए चाहे b माइनस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको आप ले सकते हैं 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे हम नहीं करना चाहते, आप सीधे करिए इसको, ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस कर देते तो यहां पर 4 माइनस एक्स आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 10th फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है 10th सेकेंड पार्ट। टेंथ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, इसकी एक्सरसाइज होने के बाद में एग्जाम्पलर डिस्कस होगी। टेंथ सेकेंड पार्ट कह रहा है कि वाई प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 3y प्लस के के स्क्वायर, सॉरी। आपको कहीं कुछ दिख रहा है? फिर वही चीज, अगर इन दोनों को यहां जाके प्लस कर दो तो 3y प्लस के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले कॉलम में एक ऑपरेशन किया C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑपरेशन C1 में हो रहा है तो C2 C3 आके प्लस करके फिर अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। आप R1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा 3y प्लस के, ये आ जाएगा 3y प्लस के, ये आ जाएगा 3y प्लस के, यहां y रहेगा, यहां y प्लस के रहेगा, यहां y है, यहां y है, यहां y है, यहां y प्लस के। ऊपर से यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3y प्लस के, क्या बचेगा 1 1
वन वाई वाई प्लस के वाई 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 प्लस के। आप देखिए दो जीरो यहां दिख रहे हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो दो जीरो यहां पर आ जाएंगे। फिर ऑपरेशन करते हैं, ये प्रूफ दिमाग में रखिएगा। पहले रो में क्या करेंगे आप, आर वन माइनस आर टू क्यों करेंगे, जीरो लाने के लिए। हमें कॉमन लाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ जीरो लाने के लिए करना पड़ता है। और आर टू में करेंगे हम आर टू माइनस आर थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री वाई प्लस के। देखिए यहां आपने माइनस किया जीरो आ गया, यहां पे आपने माइनस किया माइनस के आ गया, यहां जीरो आ गया, यहां जीरो आ गया, यहां के आ गया, यहां माइनस के आ गया, यहां वन वाई वाई प्लस के। अब फिर आपके पास दो जीरो आ गए हैं, पहली रो में भी आ गए हैं और पहले कॉलम में भी आ गए हैं, तो चाहे उसको कॉलम के नाम खोलिए चाहे, और चाहे तो लिख भी सकते एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ सी वन। तो देखिए थ्री वाई प्लस के ये जीरो आएगा, माइनस जीरो प्लस वन इंटू ये कट गया, ये कट गया, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, तो के स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया के स्क्वायर थ्री वाई प्लस के। तो दिस इज नाइन्थ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। अब जरा इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, इलेवेंथ क्वेश्चन कहता है, इलेवेंथ दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए माइनस बी माइनस सी टू बी टू सी टू ए बी माइनस सी माइनस ए टू सी टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी टू द होल क्यूब। देखिए हमारा एम इसको एक्सपेंड करने का जरूर है, लेकिन पहला एम है कि उस कॉमन मिल जाए। देखिए ध्यान से, दो जीरो हमें दिख रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो एक जीरो आएगा, इसमें से इसको करो यहां जीरो आएगा, अब जीरो भी आएगा और कॉमन भी दिख रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे पहले कॉलम। देखिए मेथड बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि हमने जो बता दिया वही सही, हो सकता है आपके दिमाग में कोई और मेथड आ जाए, तो वो तो ऑन स्पॉट जब क्वेश्चन लगाते हैं तब दिमाग में आता है। पहले कॉलम में हमने क्या किया, सी वन माइनस सी टू किया, और दूसरे कॉलम में हमने क्या किया, सी टू माइनस सी थ्री किया। हमने क्यों किया, हमने जीरो लाने के लिए किया। अब वो एक अलग की बात है कि जीरो के साथ साथ हमको कुछ वैल्यू यहां मिल रही है। देखिए तो हमने इसके इसमें इसको माइनस किया तो आएगा a माइनस बी, अब चूंकि आप इंटर में हैं इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी माइनस टू ए, तो आएगा आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो टू बी माइनस बी प्लस सी प्लस ए, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, यहां करेंगे तो आएगा जीरो, इसको इसमें माइनस करेंगे तो b माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी, तो आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको इसमें करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये ऐसे रहेगा टू ए टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, ये चीजें सेम है लेकिन सेम दिख इसलिए ले रही हैं, तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएंगे प्लस। ले लिया कॉमन, आप उसी नहीं करेंगे, आप अगला स्टेप लिखेंगे, यहां से माइनस का मान ले लेंगे तो ये हो जाएंगे दोनों प्लस, हो गया। अगले स्टेप में क्या दिख रहा है आपको, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो जब बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा वन, यहां बचेगा वन और यहां बचेगा वन, तो ये यहां पर वन आ गया, ये यहां पर वन आ गया, ये यहां पर वन आ गया, ये यहां पर वन आ गया। ठीक, और कुछ दिख रहा है आपको, वैसे तो एक्सपेंड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जीरो और दिख रहा है, इसमें से इसको जाके प्लस कर दो, या इसमें से देखिए इसमें से इसको प्लस करेंगे तो यहां जीरो आ जाएगा, ये जीरो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां जीरो ऑलरेडी है, इसमें से इसको प्लस किए दे रहे हैं या इसमें से इसको प्लस किए दे रहे हैं कोई करिए। देखिए ध्यान, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब डाला है,
ये दिमाग में रखिए। देखिए आर टू में हम कर रहे हैं, आर टू में कर रहे हैं प्लस आर वन, क्योंकि यहां पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आर वन को हम कुछ छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने उसको कुछ किया नहीं है। तो ये है माइनस वन जीरो टू ए, इसमें से उसको प्लस किया है तो यहां वन जीरो हो जाएगा, यहां पर माइनस वन ही रहेगा, यहां पर आएगा टू ए प्लस टू बी, यहां पर जीरो, यहां पर वन, यहां पर सी माइनस ए माइनस बी। अब आप अगर फर्स्ट कॉलम देखें तो फर्स्ट कॉलम में दो जीरो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं और काफी कुछ कॉमन भी आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए इसको लिखेंगे माइनस वन, ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का इसे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो माइनस सी प्लस ए प्लस बी और माइनस इसका इसे करेंगे तो आएगा टू ए प्लस टू बी, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस आएगा प्लस जीरो आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो खोल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट खोलिए, माइनस सी माइनस प्लस ए प्लस बी माइनस टू ए माइनस टू बी, यहां बचेगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये माइनस अंदर जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहां बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। दिस इज द प्रूफ। हमने क्या इसमें किया, हमने कुछ नहीं किया, हम केवल सर्च करते रहे जीरो और सर्च करते रहे कॉमन, बस अपने आप एक्सपेंड होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ का सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन अपने आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। इलेवेंथ का, सॉरी इलेवेंथ का सेकेंड। अब ट्वेल्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यह है वन एक्स स्क्वायर एक्स एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स वन, प्रूफ करना है आपको वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाइए, अब आप यहां पर ढूंढोगे एक्स क्यूब हमको मिल नहीं रहा, नहीं मिलेगा। यहां पे देखिए जरा, इस ब्रैकेट में लिखा है वन क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ये एक ब्रैकेट में आएगा वन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये चीज लाने का प्रयास करिए, कहीं पर वन माइनस एक्स आ जाए। अब डायरेक्ट एक्स क्यूब सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, इसमें से इसको माइनस करो तो देखिए वन माइनस एक्स यहां पर दिखेगा, इसमें से इसको माइनस करो या ऊपर नीचे माइनस कर दो। हमने एलएचएस ले लिया, एलएचएस ये नोट कर लिया। हमने क्या किया, पहले कॉलम में क्या किया C1 माइनस C2 किया और दूसरे कॉलम में क्या किया C2 माइनस C3 किया। देखिए जब पहले कॉलम में माइनस किया तो आ गया 1 माइनस एक्स, इसमें से किया तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें से किया तो आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे साहब ना तो कुछ कॉमन दिख रहा है ना तो जीरो दिख रहा है। देखिए हमने यहां देखा है, हमें ये दिख रहा है, अगर मैं इसको देखता तो कुछ नहीं दिखता। इसमें से इसको माइनस किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर आया, इसमें से इसको किया 1 माइनस एक्स आया, यहां एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये x रहेगा, ये 1 रहेगा। अब कॉमन लेते वक्त ध्यान रखिए एक जैसी चीज बाहर आनी चाहिए। हमको ये दिख रहा है, अगर यहां पर देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है x प्लस वन एक्स माइनस वन और हमको चाहिए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स ही ला, ये वन माइनस एक्स है हमारे पास, यहां से माइनस का ले लो तो बन जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फैक्टराइज कर दो, वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, बाद में भी आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वन भी ला सकते हैं। यहां पर हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया, सॉरी एक्स कॉमन ले लिया तो आ गया वन माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर आइए, हमने यहां पर एक्स कॉमन ले लिया वन माइनस एक्स, यहां पर माइनस कॉमन ले लिया वन माइनस एक्स, यहां पे माइनस लिख करके वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स। इसको ध्यान रखिए, ये होल स्क्वायर आपको लाना है, इतना दिमाग रखिएगा। इसका होल स्क्वायर यहां दिख रहा है, देखिए
यहां से वन माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, इसका लास्ट एक्स स्क्वायर एक्स वन, यहां से वन माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है और यहां से दिख रहा है, तो दो बार कॉमन लिया तो होल स्क्वायर हो गया। यहां क्या बचेगा, वन बचेगा, ब्रैकेट खोल के लिखिएगा, माइनस वन माइनस एक्स, यहां पर एक्स बचेगा, यहां पर एक्स बचेगा, यहां माइनस वन बचेगा, यहां माइनस वन माइनस एक्स बचेगा, ये तो वन माइनस एक्स पहले से लिखा हुआ था ना, यहां वन बचेगा, यहां एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां एक्स बचेगा, यहां वन बचेगा। अब क्या दिख रहा है आपको, ये तो आ गया, देखिए अगर वन प्लस, वो जो हमने प्रूफ किया था उसमें वन प्लस एक्स स्क्वायर की भी जरूरत थी, ठीक है, तो कहीं दिख तो रहा नहीं हमको वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड देखिए, इसमें एक चीज आपको दिख रही है, अगर इसको सबको ले जाके यहां प्लस कर दो तो यहां जीरो आ जाएगा। देखिए R1 में एक ऑपरेशन करिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये तो आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां जीरो हो जाएगा, देखिए माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस एक्स प्लस एक्स जीरो, यहां भी जीरो हो जाएगा और यहां आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस वन माइनस एक्स, यहां वन, यहां एक्स, यहां एक्स, यहां माइनस वन माइनस एक्स, यहां वन, ठीक है। अब आपको ऊपर वाले कॉलम से दिख रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, कॉमन ले लीजिएगा, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, जीरो जीरो वन, यहां बचेगा माइनस वन माइनस एक्स, वन एक्स, ये आएगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स वन। अब इसको फर्स्ट रो के रंग खोल दीजिए क्योंकि दो जीरो ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, तो आएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे आप तो जीरो आएगा, फिर माइनस जीरो आएगा, प्लस वन इन टू, एक्सपेंशन जरूर देख लीजिएगा, ये रो कट गया, कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई से करोगे, देखिए माइनस वन माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस एक्स से किया और माइनस करके इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और माइनस एक्स पहले से है, ये एक्स बचेगा तो आ गया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वही ये लिखा है, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को बाहर कर दो, एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स, एक में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ये ट्वेल्थ क्वेश्चन है। अब जरा थर्टीन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, जब एग्जाम्पल डिस्कस होगी तो उसमें कुछ बताए जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे, कुछ खतरनाक टाइप के एग्जाम्पल भी हैं। देखिए थर्टीन क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कह रहा है वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी टू बी टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू बी टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू प्रूफ करनी है आपको। प्रूफ क्या करना है, वो
बाद में अपने आप हो जाएगा। ठीक है, जरा सावधान। आपको यहां पर ये एलएचएस ले लिया है, आपको यहां पर राइट हैंड साइड जब एलएचएस लिया तो जीरो लाने का प्रयास कीजिए। जरा सावधान, आपको चीज दिख रही है कि अगर यहां पर एक सेकेंड, जैसा हमने कहा जीरो लाने का प्रयास आप करेंगे, देखिए अगर यहां पर हम b से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2ab बन जाएगा और ला के यहां पर माइनस कर दो जीरो आ जाएगा। तो c1 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे c3 b से मल्टीप्लाई करके और ऑपरेशन किसमें होगा, c1 में। अब आप कहेंगे भाई आपने c3 में b से मल्टीप्लाई किया है तो बाहर डिवाइड भी करिए। देखिए दो चीजें, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो फिर कॉमन लकी कैंसिल हो जाएगा। जिस कॉलम में या जिस रो में ऑपरेशन होता है वो कॉलम या रो चेंज हो जाती है, पहली बार। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे होते तो हमें डिवाइड करना पड़ता, किसी और कॉलम को लेकर के आ रहे हो और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम ए से मल्टीप्लाई कर देते और यहां प्लस कर देते तभी जीरो हो जाता। तो C2 में क्या करेंगे, C2 में कर देंगे प्लस ए सी थ्री। हमने कहा मेथड बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही सही है। इसको आप यहां टू, इसको B से डिवाइड कर दो ये 2a बन जाएगा और तब जाके यहां माइनस कर दो तभी जीरो आ जाएगा। इसको A से डिवाइड कर दो ये 2b बन जाएगा, यहां प्लस कर दो तभी जीरो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें जीरो लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया बी से तो ये बन गया टू बी स्क्वायर। हम इसकी बात कर रहे हैं ये टू बी स्क्वायर और टू बी स्क्वायर यहां प्लस हो गया तो प्लस का टू बी स्क्वायर हुआ, माइनस कर रहे हैं ना और माइनस ऑलरेडी साइन लगा है तो ये क्या आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऐसे आपने बी से मल्टीप्लाई किया टू ए बी हुआ, यहां माइनस हो गया जीरो हो गया। इसमें आपने बी से मल्टीप्लाई किया है, जब b से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या हो गया 2b माइनस b से मल्टीप्लाई किया है आपने 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाद में कैलकुलेट करेंगे। यहां पे आइए, यहां आपने क्या किया, इसमें a से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2ab प्लस कर दिया यहां जीरो आ गया। इसमें आपने a से मल्टीप्लाई किया ये 2a स्क्वायर हो गया, यहां प्लस किया तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर तो ये भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे आपने a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू ए में प्लस करेंगे a से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिखा रहेगा माइनस का 2b ये 2a ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए जरा प्रूफ क्या करना है, हमने नहीं लिखा है, मैं आप प्रूफ हो क्या आएगा इसमें, देखिए इसमें जानबूझ के नहीं लिखा हमने। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो है। यहां से ऐसा करो ब्रैकेट को मत खोलो, b कॉमन ले लो, ले लिया अब ब्रैकेट खोल दो तो 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर जीरो है, यहां पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां से a कॉमन ले लो, यहां ब्रैकेट खोल दो माइनस 2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस का 2b ये 2a। अरे महे थोड़ा रुक जाओ भैया, यहां पर लेटिन जा रहे हैं, सब पूरा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा धीरे बोलो ना। जब साथ जरा बता तब स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करें। यहां क्या दिख रहा है आपको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां जीरो, यहां देखिए b तो बाहर लिखा, ये क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां सब माइनस में हो जाएंगे तो माइनस का हम ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस का 2b, यहां 2a, यहां 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यहां कॉमन दिख रहा है आपको, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी कॉमन दिख रहा है, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। यहां क्या बचेगा, वन बचेगा, जीरो बचेगा, बी बचेगा, यहां जीरो बचेगा, वन बचेगा, माइनस ए बचेगा, यहां माइनस टू बी, यहां टू ए, यहां वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो चुका है। अब देखिए यहां कुछ जीरो जीरो डालने की संभावना है, दिख तो नहीं रही, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है यहां, तो ऐसा करिए ये एक जीरो आ चुका है, यहां इसको प्लस करने कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस करने कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सबको ले जाके यहां प्लस कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंड कर दो इसको डाल, तो ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखिए एक्सपेंसर किसी कॉलम के अलावा खोल दीजिए, हमने ये लिया वन, जब वन लिया तो ये रो कट गया, ये कॉलम कट गया, इसका मल्टीप्लाई से हुआ तो आया वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई से हुआ माइनस में, तो प्लस का हो जाएगा टू ए स्क्वायर, ठीक। फिर ये लिया माइनस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बी लिया हमने, ये कॉलम कट गया रो कट गया, इसका मल्टीप्लाई से हुआ जीरो माइनस माइनस टू बी, तो प्लस टू बी, आप ब्रैकेट खोल दीजिए, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो खोलेंगे क्या आएगा, देखिए वन प्लस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, हो सकता है एक आध स्टेप और भी आप कहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना पर्याप्त है। तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां वन बचेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेंसिंग आ गई, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ 13th क्वेश्चन। अब जरा 14th क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14th क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस वन ए बी सी ए, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा देखिए यहां पर दिमाग लगाइएगा, प्रॉब्लम यहां पर ए स्क्वायर चाहिए, यहां पर बी स्क्वायर चाहिए, यहां पर सी स्क्वायर चाहिए, और हमारे पास ए स्क्वायर यहां पर है, बी स्क्वायर यहां पर है, सी स्क्वायर यहां पर है, इसको उठा के क्या प्लस कर दे क्या, ऐसा कोई नियम थोड़ी होता है कि प्रूफ करना है। ऐसा करो किसी एक रो में ए से, किसी एक में बी से, इसमें सी से का मल्टीप्लाई कर दो, यानी हम क्या करेंगे सी वन इंटू ए कर दो और सी टू इंटू बी कर दो और सी थ्री इंटू सी कर दो, चाहो तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो जब यहां ए से करेंगे तो यहां आएगा ए ए स्क्वायर प्लस वन, यह आएगा ए स्क्वायर बी, यहां आएगा सी ए स्क्वायर, यहां आपने बी से मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी स्क्वायर हो गया, यहां पर बी बी स्क्वायर प्लस वन हो गया, यहां पर सी बी स्क्वायर हुआ, यहां से सी किया है तो यहां ए सी स्क्वायर हो गया, यहां पर बी सी स्क्वायर हो गया, यहां सी सी स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब जरा ध्यान लगाइएगा, यहां बी स्क्वायर हो गया, यहां सी स्क्वायर हो गया, यहां ए स्क्वायर हो गया, यहां से ए कॉमन ले लो, यानी टेकिंग टेकिंग ए कहां से, फ्रॉम आर वन बी फ्रॉम आर टू एंड सी फ्रॉम आर थ्री, क्यों, क्योंकि यहां पर हम ए स्क्वायर लाना चाहते थे, ले आए, अब इसके साथ बी को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो पहले अपना पर्पस सॉल्व किया हमने और बाद में हमने जो कॉमन लेना था वो ले लिया, यहां से ए कॉमन लिया, यहां ए लिया, यहां बी लिया, यहां सी लिया। अब देखो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस वन, यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां बचेगा ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर प्लस वन, यहां पर सी बी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर, यहां पर सी स्क्वायर प्लस वन, सॉरी यहां से ए लिया सी स्क्वायर, यहां से बी लिया सी स्क्वायर, यहां से सी स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए, अब जीरो लाना है ठीक अच्छी बात है, लेकिन एक दिमाग लगाइएगा,
हमको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है प्लस सी स्क्वायर, इन सबको उठा के यहां प्लस कर दीजिएगा। अगर पहले कॉलम में आप कर दीजिएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तो क्या होगा, एक सेकेंड, पहले में आपने एबीसी से मल्टीप्लाई किया था तो वहां डिवाइड भी कर दीजिएगा, यहां डिवाइड भी तो होगा, जब कॉमन लोगे तो कर जाएगा, पहले स्टेप पे कर लीजिएगा, एबीसी से मल्टीप्लाई किया था बाहर डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एबीसी कट गया यहां से, पहले में हमने जब मल्टीप्लाई किया था एबीसी से तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, आप जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस वन। ये यहां से कॉमन ले लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा वन 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 बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस वन। आप क्या करेंगे, आप यहां जीरो लाने का प्रयास करिए, जीरो हमको दिख रहा है कि इसमें से इसको माइनस कर दें, आर वन में हम क्या करें आर वन माइनस आर टू कर दें और आर टू में हम क्या करें आर टू माइनस आर थ्री कर दें, तो आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, यहां करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यहां वन आ जाएगा, यहां माइनस वन आ जाएगा, और ये वन है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर प्लस वन है। अब आपको दो जगह जीरो दिख रहे हैं, जिस जहां से आप चाहें वहां से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये आपका है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पर जीरो माइनस जीरो प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू वन बचेगा, तो वन ही रहेगा, तो ये आ गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ 14th क्वेश्चन। अब जरा 15th और 16th देख लीजिए, छोटे से क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहे हैं कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एक ए है जो 3x3 की एक मैट्रिक्स है, चलिए मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूं, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, मान लिया हमने। अब कह रहे हैं कि अगर आपको के इंटू ए करना है तो के से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा के ए के बी के सी के पी के क्यू के आर के एल के एम के एन, ये मैट्रिक्स है। अब ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट इसकी निकालो, तो अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो यह आ जाएगा के ए के बी के सी के पी के क्यू के आर के एल के एम के एन। डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का तरीका क्या है, आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका है सम में मल्टीप्लाई करिए, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम से कॉमन होता है, जब मैं इससे के कॉमन लूंगा एक के इससे होगा एक के इससे के क्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, और ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक। तो यानी कि इस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। और 16th क्वेश्चन में एक पार्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, चार पार्ट दिए हैं, उसमें कह रहे हैं कौन सा पार्ट सही है, देखिए 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 16th कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेट, पहला लिखा है डिटरमिनेंट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, किताब देख लीजिएगा। अब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो होती नहीं, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है डिटरमिनेंट, तो ये तो गलत हो गया। लिखा डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, और अगला है डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए डिटरमिनेंट इज द वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो मेन कंडीशन ये होती है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर, तो इसमें बी पार्ट और सी पार्ट सेम लिखे हुए हैं कि डिटरमिनेंट इज द एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, लेकिन टू अ मैट्रिक्स में विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नॉट फॉर ऑल मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट नहीं निकल सकती है, इसका सी पार्ट सही है जिसमें लिखा है
एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हुई है, बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। थैंक यू।